महाराष्ट्र के बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी हैरत में है। जहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है, वहीं मुंबई से अलग अलग तस्वीरें हर रोज सामने आ रही है, जहां मजदूरों की भीड़ स्टेशनों के बाहर दिखाई देती है। इस भीड़ का कारण ये बताया जा रहा है कि प्रशासन इन्हें एक साथ ही बुला लेती है। दरअसल इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के आमदार अबू आसिम आजमी धरने पर बैठ गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें नागपाड़ा की है, जहां पर अबू आजमी धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी धरने पर बैठने की ये वजह है कि प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। यानी उन्हें एक साथ तो बुला लिया जाता है, लेकिन उन्हें चार चार घंटे धूप में खड़ा रखा जाता है, फिर उनकी आगे की कार्रवाई होती है। अबू आजमी ने महिला पुलिसकर्मी अधिकारी को सस्पेंड करने की भी मांग की है, लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? देखिए ये तस्वीरें, जिस तरह से ये सारे लोग जमा है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? क्या अब इसका आरोप भी प्रवासी मजदूरों पे ही लगाया जाएगा? और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों का पलायन तो जारी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पानी की बोतलें लूटने की वीडियो फिर से सामने आई है। प्रयागराज में लॉकडाउन की मुसीबत झेल रहे प्रवासी मजदूरों की वापसी लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों द्वारा पानी की बोतलों को लूटने का वीडियो सामने आया है। पानी लूटने से नाराज लोगों ने मजदूरों को दौड़ाना और उनकी पिटाई भी करना शुरू कर दी है। देखिए ये वीडियो, किस तरह से मजदूर पानी को तरस रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।